हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश स्पीकिंग चैनल। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर, इंग्लिश बोलना कैसे सीखा जाए, कैसे सीखना चाहिए इंग्लिश बोलना, इसकी शुरुआत कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं एक ही जवाब देता हूं कि जब आप किसी भी चीज़ को सीखना शुरू करते हैं तो आप दो तरीके से सीखते हैं, एक कॉन्शियसली और एक सबकॉन्शियसली। यू लर्न लैंग्वेज सबकॉन्शियसली। अब आप सोच रहे होंगे, सर व्हाट इज कॉन्शियस एंड व्हाट इज सबकॉन्शियस। चलिए समझते हैं, हिंदी से या अपनी कोई भी मातृभाषा, आप जिस किसी भी लैंग्वेज को बचपन से बोलते हैं उसे आपने कैसे सीखा। यू डिड नॉट ट्राई फॉर दैट। आपने उसके लिए कभी भी ट्राई नहीं किया, आपने उसके लिए कोई कोशिश नहीं किया, बस आप एक ऐसे माहौल में थे और जो चीज़ें आपके आसपास हो रही थी वो उसी लैंग्वेज में हो रही थी और आपने धीरे 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 उसको ग्रैस्प करना शुरू किया, आपने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया और आप उस लैंग्वेज को सीख गए। आपने उसे सीखने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की, दिन रात वो आपके चारों तरफ बोलती थी, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन, आपके अड़ोसी पड़ोसी, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो या कहीं पर भी आपके पापा का ऑफिस हो, आपका अड़ोस पड़ोस हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके आसपास में लैंग्वेज बोलती रहती है एंड यू ऑब्जर्व एवरीथिंग, यू लर्न एवरीथिंग सबकॉन्शियसली। आप सबकॉन्शियसली एक भाषा को सीखते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश बोलना सीखने के लिए भी आपको सबकॉन्शियसली उसे करते रहना पड़ेगा। अब सबकॉन्शियसली आप उसे कैसे करेंगे, यू हैव टू डू इट कॉन्शियसली इन द बिगिनिंग। आपको शुरुआत में उसे कॉन्शियसली करना पड़ेगा, आपको कुछ लिखना पड़ेगा, आपको कुछ सुनना पड़ेगा, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। आपको आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो इंग्लिश म्यूज़िक हो, चाहे वो इंग्लिश ब्लॉग्स हों, चाहे वो इंटरनेट पर इंग्लिश के वीडियोस हों, चाहे कुछ आप लिखने की ट्राई करें, तो आपको कॉन्शियसली पहले ट्राई करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आप कॉन्शियसली ट्राई करेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू द पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। आप ऐसे लोगों को सुनना शुरू करेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं और जो बचपन से इंग्लिश बोलते हैं। यू विल ग्रेजुअली लर्न देयर स्टाइल, आप उनका स्टाइल सीख जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट इमिटेटिंग, आप इमिटेट करना भी शुरू कर देंगे। यू विल लर्न द सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकैबुलरी, इवन ग्रामर विदाउट डूइंग मच एफर्ट। बहुत सारे एफर्ट्स करने की बजाय आप जब लोगों को सुनना शुरू कर देंगे, बुक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे, स्टार्ट फ्रॉम द ईजीएस्ट वन, सबसे आसान चीज़ों से शुरू करके आप एक दिन देखेंगे कि आप मुश्किल चीज़ों को भी करने लगे हैं और फिर एक दिन आएगा कि आप नामुमकिन चीज़ों को भी करने लगेंगे। सो स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज सबकॉन्शियसली। You know, go to the websites, go to the blogs, go to YouTube videos or listen to some English music and do practice it multiple times. Repetition is the key. आपने सुना और आपने बोला, आपने सुना और आपने बोला। ज़्यादातर समय जब भी आप कुछ देखते हैं, कुछ भी आप सुनते हैं, you don't take any action. आप action नहीं लेते। Right when you are watching a video, write some comments. When you are watching a video, make some notes and do a little homework. थोड़ा सा homework कीजिए, थोड़ी सी practice कीजिए, या फिर जब आप अकेले हों तो उसे room में बोल कर practice कीजिए। It will boost your confidence. So you learn a language subconsciously. आप subconsciously मुझसे जो कुछ भी सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्टोर हो रहा है और धीरे धीरे वो आपके बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। सो यू लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग्स, नॉट इवन इंग्लिश लैंग्वेज, यू लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग्स सबकॉन्शियसली। आप सबकॉन्शियसली खाना बनाना सीखते हैं, आप सबकॉन्शियसली कार चलाना सीखते हैं जब आपके फ्रेंड्स या आपके पापा कार चला रहे होते हैं। यू लर्न कुकिंग सबकॉन्शियसली, चाहे वो किसी शादी में किसी हलवाई को देखना हो या घर में मम्मी को खाना बनाते हुए देखना हो। द बेस्ट प्रैक्टिसेस आर लर्नड सबकॉन्शियसली। आप किसी भी चीज़ को सबकॉन्शियसली ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे फिर एक नई क्लास के साथ। अभिषेक ससिंह, गुड बाय।